नमस्कार दोस्तों, रेल एक्सप्रेस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रेन जानकारी में आज जिस ट्रेन के बारे में बात करेंगे वो है रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल और गोरखपुर जंक्शन के बीच हफ्ते में 3 दिन चलती है और इसका ट्रेन नंबर है 1/21/65। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। दोस्तों, आज बात करेंगे रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई और गोरखपुर जंक्शन के बीच हफ्ते में 3 दिन चलती है। और लोकमान्य तिलक टर्मिनल से ये ट्रेन हर सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे रवाना होती है और 29 घंटे 50 मिनट का सफर तय करने के बाद ये गोरखपुर जंक्शन पहुंचती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन तक इस ट्रेन की टोटल दूरी है वो है 1707 किलोमीटर की और इसके तकरीबन 18 हॉल्ट हैं। एवरेज स्पीड इस ट्रेन की इस रूट पे है 57 किलोमीटर पर आवर और ये हफ्ते में 3 दिन चलती है। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है और सेंट्रल रेलवे जोन इसको ऑपरेट करती है। आगे बात करेंगे रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की कोच कंपोजिशन के बारे में, तो इस ट्रेन में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल अनरिजर्व डब्बे अवेलेबल है। आगे बात करेंगे रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट किराए के बारे में, तो मैं अभी आपको जो टिकट के प्राइसेस बताऊंगा वो लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन तक की होगी। बाकी अपडेटेड किराए आप रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट या टिकट बुकिंग काउंटर से जरूर कन्फर्म कर ले। तो दोस्तों, रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में लोकमान्य तिलक से गोरखपुर जंक्शन तक सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 2575 रुपए, थर्ड एसी का किराया है 1765 रुपए, स्लीपर क्लास के कोचेस का किराया है 675 रुपए और सेकेंड सीटिंग यानी कि जनरल क्लास के कोचेस का किराया है 415 रुपए लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन तक। दोस्तों, मैंने आपको अभी जो टिकट के प्राइसेस बताए हैं वो सभी सही और अपडेटेड किराए हैं। आप फिर भी यात्रा शुरू करने से पहले रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट या टिकट बुकिंग काउंटर से जरूर कन्फर्म कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टॉपेजेस हैं। दोस्तों, रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन लोकमान्य तिलक टर्मिनल से हर सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को सुबह 6 बजे रवाना होती है और 29 घंटे 50 मिनट का सफर तय करने के बाद ये गोरखपुर जंक्शन पहुंचती है। लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रवाना होने के बाद इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज है थाने स्टेशन। सुबह 6:18 पे पहुंचती है और 6:20 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। कल्याण जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 6:37 पे और 6:40 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का स्टॉपेजेस है। कसारा स्टेशन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह के 7:42 पे और 7:45 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 3 मिनट का टेक्निकल हॉल्ट है और यहाँ पे इस ट्रेन के साथ बैंकर्स भी अटैच किए जाते हैं। इगतपुरी स्टेशन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 8:15 पे और 8:17 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। इसके बाद रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नासिक रोड पहुंचती है सुबह 9:05 पे और 9:10 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। मनमाड़ जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 10 बजे और 10:05 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है और 240 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है अपने सोर्स स्टेशन से। जलगांव जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है सुबह 11:48 पे और 11:50 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेजेस है। भुसावल जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है दोपहर के 12:30 पे और 12:35 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। इसके बाद रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन इटारसी जंक्शन पहुंचती है शाम के 6 बजे और 6:10 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेजेस है और 730 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी होती है। इसके बाद जबलपुर जंक्शन मध्य प्रदेश में ये ट्रेन पहुंचती है रात के 9:40 पे और 9:50 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेजेस है। कटनी जंक्शन ये ट्रेन पहुंचती है रात के 11:15 पे और 11:20 पे यहाँ से रवाना होती है।
यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। सतना जंक्शन ये ट्रेन पहुँचती है रात के 12:25 पे और रात के 12:30 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेजेस है। इसके बाद रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुँचती है रात के 3:55 पे और सुबह 4:20 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे इस ट्रेन का लोकल रिवर्सल भी होता है। प्रयागराज जंक्शन से रवाना होने के बाद इस ट्रेन का स्टॉपेज है जंघाई जंक्शन। यहाँ पे ट्रेन पहुँचती है सुबह 5:46 पे और 5:48 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। भदोही स्टेशन ये ट्रेन पहुँचती है सुबह 6:16 पे और 6:18 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। वाराणसी जंक्शन ये ट्रेन पहुँचती है सुबह 7:10 पे और 7:20 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का स्टॉपेज है। मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश ये ट्रेन पहुँचती है सुबह 8:55 पे और 9 बजे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद देवरिया सदर स्टेशन ये ट्रेन पहुँचती है सुबह 10:28 पे और 10:30 पे यहाँ से रवाना होती है। यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है और ये इस ट्रेन की सेकेंड लास्ट स्टॉपेज है। इसके बाद रत्नागिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन अपने आखिरी स्टॉपेज गोरखपुर जंक्शन पहुँचती है सुबह 11:50 पे और 1707 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये अपनी यात्रा समाप्त करती है। तो दोस्तों इसी के साथ ट्रेन जानकारी की है वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य ट्रेन की जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुस्त रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, जय भारत।